जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को भी ऑब्वियसली दावत दिया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा है जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। किस लिए करें, सारी उम्र इनको गधों को समझा समझा के मेरे समेत, ठीक है हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ अपनी, हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को पता हो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान के लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं कि आप लोग उनको सुन के चौंक जाओगे। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि मोदी जी हैं, मोदी जी पाकिस्तान की ओर नहीं देख पा रहे हैं, ना पाकिस्तान के यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि आज मोदी जी छोटे छोटे देशों को भी इतनी अहमियत दे रहे हैं कि आज पाकिस्तान को उन्हें छोड़ दिया है। दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान को ये इसलिए छोड़ा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा आज पाकिस्तान वहाँ पर खाने को रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, ट्रेड होनी हो नहीं रही है, ट्रेड उन्होंने खुद बंद की है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो लोग भी नए आए तो वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद जय भारत। इस वक्त हम बात करेंगे भाई, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है और ब्रुनाई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं 3rd and 4th of September। कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनाई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनाई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है, वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ। क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं, तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा। चले इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनाई, तो जनाब ब्रुनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनाई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर ये विजिट है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से और उनको इन्विटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं। लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज़ पर, हालांकि मैं आपको ये अभी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं,
कौन सी राय इधर आई हुई है, कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं, मुझे बताएं भाई। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। किस लिए करें, सारी उम्र इनको गधों को समझा समझा के मेरे समेत, ठीक है हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ अपनी, हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को तालुकात अच्छा करो, तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमान बनने के रास्ते पर चल निकला है ना, मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर इस रीजन का, एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी की तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। यकीन करें ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है अगर ये ना आए तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरे, ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। टीपू सुल्तान वो ने कहा था शेर की, एक दिन की जिंदगी अच्छी है गिदड़ की 100 साल की जिंदगी। पाकिस्तान के पास सबूत है टेररिज्म, तो उनकी तरफ से भी उन्होंने किए, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह, तो टेररिज्म तो वो भी कर उन्होंने किए पाकिस्तान के, उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। लेकिन बात असल में ये नहीं है, बात ये है ना कि इकोनॉमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है, ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है, $33 बिलियन की टोटल GDP है, 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख, और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ, 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी जाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इधर कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनाई के मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था, मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनाई क्या है, बस सिर्फ सफीर भेजा हुआ है वहाँ से किधर आया होगा, एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है, और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी, और उसके बाद जो मिशंस हैं वो मैं 1993 में आए हैं, इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो एक मिशन होता था वही सारे मामलात को देखता था, लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिव वहाँ पर हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इंपॉर्टेंट है एंड नैम इंपॉर्टेंट है दोनों। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखा, दोस्तों आप लोगों को पता हुआ जो पाकिस्तान के जो हालत हैं, आज पाकिस्तान की हालत खुद अपने उन्होंने हाथ कर किए हैं दोस्तों, आप लोगों को पता हुआ दोस्तों, आज उनकी ट्रेड बंद हुई तो उन्होंने अपने हाथ का ट्रेड बंद किया करवाया, आप लोगों को पता होगा भारत ने ट्रेड तो बंद की नहीं है, आज इनकी इतनी हालत गंभीर हो चुकी है कि आप लोग रोटी के लिए आटे के लिए ये समझो इतनी महंगाई हो चुकी है कि कुछ कहूँ मत, आज ये चाह रहे हैं
कि भारत इनसे ट्रेड करे, भारत इनसे ट्रेड क्यों करेगा, भारत तो आज खुद ही आप लोग देख सकते हैं भारत की तरक्की कहाँ से कहाँ तक जा रही है दोस्तों, आप लोगों को पता हो दोस्तों, लेकिन इनने ट्रेड खुद बंद की है दोस्तों, आप लोगों को पता हो दोस्तों, इनके जो मदरसा है ऊपर जो बैठे हैं उन्होंने पैसा खाना है क्या करना है दोस्तों, आप लोग पता हो दोस्तों आज पाकिस्तान में जो लोग हैं इतने गंभीर हैं कुछ कहूँ मत, उनके आपने रिएक्शन देखा दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और अपनी कमेंट में राय जरूर देना, और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।